तो इसमें बेसिकली हम ट्रांसवर्स साइनसिस पे बात करेंगे। साइनस का जहाँ पे भी वर्ड है समझ जाएंगे, ये गैप होता है। तो जो ट्रांसवर्स है मेन के हॉरिजेंटल, ये गैप है बिटवीन द आर्टियल एंड वीनस एंड ऑफ द कार्डिक ट्यूब। अब हमने इसको कैसे मतलब फाइंड करता होता है, इसकी बाउंड्रीज कैसे जानी होती है, उसका सिंपलेस्ट वे ये है कि आपने जो अपनी फिंगर है वो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है और असेंडिंग एओर्टा है उसके आगे से, उसके थोड़ी पीछे से लेके जानी है, लेकिन सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल आगे होगा आपका हाथ उंगली ये जो है। मतलब कि अगर मैं एंटीरियरली बात करूँ तो असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक आएंगे, ये दो चीज़ें, पल्मोनरी ट्रंक असेंडिंग एओर्टा। और अगर मैं आपकी पोस्टीरियर बात करूँ तो सुपीरियर वेना कैवा और लेफ्ट एट्रियम, ये जो है हमारा सुपीरियर वेना कैवा है और ये जो है यहाँ पे इसके हैंड के पीछे जो है वो होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद सुपीरियरली बात की जाए तो पल्मोनरी ट्रंक ये देखें, ठीक है, या सॉरी ये वाला पल्मोनरी ट्रंक ये वाला, ठीक है, सुपीरियरली। और अगर इन्फीरियरली तो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है जी, लेफ्ट एट्रियम, ओके। तो ये इन्फीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों तरफ लेफ्ट एट्रियम ही होता है क्योंकि वो बहुत लंबा होता है एट्रियम। और जो ऑन ईच साइड की बात करें तो पेरिकार्डियल कैविटी आ जाती है, मतलब इस तरफ भी पेरिकार्डियल कैविटी होगी, इस तरफ भी पेरिकार्डियल कैविटी होगी। इस तरह से ये ट्रांसवर्स जो है साइनस, ये सारे का सारा डिस्क्राइब हो सकता है। बस इतना इसके लिए मोर देन इनफ है। बाकी इंशाल्लाह हम बात करते हैं कि जी जो दूसरा साइनस है वो किस तरह से बनता है। अगर बात की जाए ट्रांसवर्स साइनस की और ओब्लिक साइनस की, अगर मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ तो ये हमारा है ट्रांसवर्स यानी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये जो हमारा है ये है ओब्लिक, ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी बाउंड्रीज की बात करूँ, यहाँ पे भी एक बार देख लें ज़रा, ये हमारा ओब्लिक है और ये हमारा ट्रांसवर्स है, ये आर्टियल एंड है और ये वीनस एंड है, ठीक है जी। ये देखें ये आर्टरीज और ये वेंस। अच्छा अब हम बात करते हैं कि ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस क्या है। ये एक्चुअली यू शेप एक रेसिस है, रेसिस मीन अगेन एक एम्प्टी स्पेस। अब इसके एंटीरियरली आएगा अगेन लेफ्ट एट्रियम, पोस्टीरियरली आएगा पेराइटल एंड सीरियस पेरिकार्डियम, पेराइटल की जो सीरियस है वो आएगी। अच्छा राइट पे राइट पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट पे लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, सुपीरियरली रिफ्लेक्शन ऑफ विजरल पेरिकार्डियम, ठीक है जी, और इन्फीरियरली ओपनिंग ऑफ साइनसिस। अच्छा ये चीज़ जो है ये आपको कैसे समझ में आएगी, ये देखें जो राइट पे है वो हमारे पास राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पे लेफ्ट पल्मोनरी, सुपीरियरली यहाँ पे देखें ये स्लाइटली आप रिफ्लेक्शंस देख रहे हैं, ये देखें स्लाइटली रिफ्लेक्शंस है, इस एरो को बिल्कुल ऊपर देखें जहाँ पे स्लाइटली रिफ्लेक्शन आ रहा है मेम्ब्रेन का, जिसे हम कहते हैं विजरल, ठीक है, क्योंकि विजरा के अंदर है ना इसलिए याद रह जाएगा। अच्छा इन्फीरियरली ओपनिंग्स आ रही हैं, ये देखें ये ओपनिंग पड़ी हुई है। अच्छा जी एंटीरियरली ऑब्वियसली जब इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट लेफ्ट एट्रियम बनेगा, ठीक है जी। और पोस्टीरियर जो है वो पेराइटल की जो है पेराइटल लेयर है सीरियस पेरिकार्डियम की, इसके बिल्कुल एरो के पोस्टीरियरली। यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये कन्फ्यूज करती होती है कि देखें यही विजरल की जो लेयर है इसके एरो के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विजरल लेयर ऑफ सीरियस पेरिकार्डियम। तो इसको होपफुली आपको समझ में आ जाएगा, यही थोड़ा सा तंग करने वाला टॉपिक होता है, इसको जरा अच्छे से डायग्राम से देख लें, इंशाल्लाह ताला आपका सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।